नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल जहां ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो है जो चक्का जाम की कॉल है उसे डेफर किया गया था, वहीं आज देखा जा रहा है कि जम्मू में आज ई बसेस जो है वो आज थमी हुई है। कल जहां मिनी मेटाडोर्स बसेस और मेटाडोर जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो बंद थे, और वहीं आज आपको हम यहां के लाइव दृश्य दिखाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ई बसेस जो आज जो है उनकी रफ्तार जो है थम सी गई है। आपको गाड़ियां यहां पर ई बसेस जो है लगातार आपको यहां पर खड़ी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरह से कल जो है एक मामला सामने आया है कि ई बस के ड्राइवर को किसी मेटाडोर कंडक्टर ने जो है बुरी तरह से पीटा है, क्या कुछ माजरा है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप आज जम्मू में हैं और जम्मू में रह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है कि ई बसेस आज जो है थम सी गई हैं, यानी कि आज कहीं भी ई बसेस के ऑपरेशन को एक्टिव नहीं किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ई बसेस के ड्राइवर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा माजरा है, आज ई बसेस को क्यों रोका गया है। मैम, जो प्राइवेट मेटाडोर्स वाले हैं ना, जो ट्रांसपोर्टर्स, इन्होंने क्या किया कि जो स्मार्ट सिटी का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी किया, हाथापाई की है। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि जो पब्लिक अब बसों में बैठना पसंद कर रही है, टाइम से गाड़ियाँ चल रही हैं, टाइम टेबल पे लोग आ जा रहे हैं, मगर ये क्या है कि ये परेशान है, उसकी वजह से कभी गाड़ी आगे रैश ड्राइविंग करेंगे आगे से पीछे से, तो ये मसला है सारा। उन्होंने ये बदतमीजी मारा है कंडक्टर को, जो हमारा है ना असिस्टेंट, उसको मारा है, उसको हॉस्पिटल ले गया, बस इसलिए हमने ये किया बंद कर दिया। तो ये वाकया जो हुआ ये कहाँ हुआ? ये अभी केसी मोड़ में हुआ। अभी हुआ कब? ये कोई 10 बजे का टाइम था ना, 10 बजे का टाइम, सुबह की बात है। मैम, ये धमकी देते हैं, गाड़ियों को साइड देते हैं, ये ठोकते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, हम क्या कह रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी ऐसा? इससे पहले भी एक बार हुआ है, लेकिन उसको ड्राइवर को दिल्ली जाके उसकी जमानत हुई थी। आपको की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा इस समय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल भी थी, 2 दिन रही है, क्यों लगता है आप? मैम, क्या हम क्या कह सकते हैं, इनको बात करनी चाहिए, हमारे ट्रांसपोर्ट उनसे बात करनी चाहिए, हमसे कोई है ना कोई इनसे बातचीत, हम कुछ कह सकते हैं, जो भी बात करनी है डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। तो अभी जिनको मारा उसको लेकर कोई FIR वगैरह दर्ज की गई? इसलिए यहाँ पे लोग खड़े हैं कि उसके लिए FIR करो, आप उसको अरेस्ट करो बंदे को, तो सब वो इसलिए ही चाहते हैं। हम लोग अभी गए हैं, वैसे पुलिस स्टेशन गए हैं, FIR कर रहे हैं, देखो क्या करते हैं। और भी स्टाफ है, सभी स्टाफ आए हुए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जो भी स्टाफ है। जब से ये ई बसेस चल रही है तब से ऐसे आपको कुछ केस नजर आया है या पहली बार ऐसा हुआ किसी को मारा? दूसरी बार हो गई है। इससे पहले कब हुआ था? पहला एक डेढ़ महीना हुआ, आरसपुरा हुआ था, उस साइड उस रोड पे हुआ था हमारा। धमकियां क्या देते हैं आपको? धमकी देते हैं, हम गाड़ी ठोक देंगे, तोड़ देंगे, जी हैं वो। अभी मेरे साथ भी सुबह बदतमीजी की है, तलातलू पे गाड़ी तोड़ देंगे, हम शीशे तोड़ देंगे। मैंने कहा तोड़ दो, गवर्नमेंट देख लेगी, क्या करना है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे आगे पीछे कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम बदतमीजी बोलेंगे तो हमारा सामने आएगा, अगर वो बदतमीजी करें वो देख लेंगे किसी की गलती है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान जो है वो ई बसेस की तरफ कितना होता जा रहा है? मैम, जो पैसेंजर हैं हमारे अपने ही हैं, बाहर से कोई तो है नहीं है, हमारे घर से ही आ रहे हैं, ये इतने खुश हैं गाड़ी में बैठ कर, ठीक है टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे पहुंच रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये 2-2 घंटे रोड पे चलते नहीं है, तो तब ये खुश हैं, ये परेशान हो गए हमसे ये चीज़। तो जैसे कि देखा आज आपने यहाँ पर केसी रोड में आज एक मामला सामने आया है जहाँ पर ई बस के ड्राइवर को एक मेटाडोर ड्राइवर द्वारा बुरी तरह से जो है पीटा गया है। मामला जो है अब दर्ज कराया गया है पुलिस स्टेशन में, कार्यवाही पूरी तरीके से हो रही है। लेकिन आज जो ई बसेस हैं वो आपको जम्मू की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह से 2023 में ई बसेस को लाया गया और कोशिश मंशा इसके पीछे यही थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आरामदायक सफ़र मिल सके, ताकि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, मेटाडोर्स हैं या मिनी बसेस हैं, उनमें खचाखच जो है लोग भरे होते थे और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत भी हुआ करती थी, मन चाहा किराया वसूलते थे और मन चाहे तरीके से ये चलाई जाती थी। लेकिन ई बसेस के आने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली है। लोगों का ये कहना है कि ई बसेस में सहूलियत भरा सफ़र है, जो किराया है वो भी वाजिब है, और साथ ही साथ जो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और इस ई बसेस के माध्यम से आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होती। टाइम हर 10 मिनट के बाद जो है ई बस आपको चलती हुई नजर आती है, और उसका आज देखा गया, वही ये
मामला सामने आया है मारपीट का, और आज आपको ये जो कतारें हैं ई बसेस की जम्मू में दूर तक जो है देखने को नजर आएंगी, क्योंकि हड़ताल इनकी ई बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं। उनका ये कहना है कि जब तक मामला सुलझेगा नहीं हम तब तक जो है इसी तरह से हड़ताल जो है जारी रखेंगे। जानने की इनसे भी कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। सर ये मामला सुबह पेश आया और अब ई बसेस जो है उन्हें बंद किया, क्या कहेंगे आप? मैम इन्हें सिविल ट्रांसपोर्टर मिलकर कनेक्टर की पिटाई की है, क्यों मारा उसको, मारने का क्या मतलब हुआ? कितने बजे का मामला है ये? सर बस ये अभी 2 घंटे पहले मारा क्यों है ये बात बताइए आप। मारने का कोई मसला है, क्या दिक्कत आ रही है? हम लोगों के पास ड्यूटी मेमो है, टाइम से चल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हमारा शेड्यूल है, हमने कभी खड़ी करते स्टैंड पर गाड़ी ज्यादा देर हमारे पास रोकने का टाइम नहीं होता है। मारने का क्या मसला है? दिक्कत आ रही है ऑफिस है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, कोई सोल्यूशन निकालिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मारने का क्या मसला है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये भी चौथा पांचवा केस हो गया है और एक्शन कोई नहीं होता है। पुलिस वाले पास बात करते हैं। ई बसेस को आपने आज सुलझा देते हैं टाइम पे, उसके बाद मैटर जो है डिस्पर्स किया, बस नथिंग। तो आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आपने गाड़ियां रोक दी हैं। सर हमारे को वो बंदा अरेस्ट चाहिए जिसने मारा है। मारा क्यों है? उसकी आंख पार दी है, उसका नुकसान हो जाता है, उसका आंख में प्रॉब्लम आ गई है लड़के के। क्यों मारा है? क्या दिखाते हैं? क्या जूनियर दिखा रहे हैं? अगर हम भी दिखा दें जूनियर फिर क्या होगा? गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं, आपने देखा होगा सिटी में चल रही है, टाइम से चलती हैं, कोई दिक्कत आती है? हमारे ऊपर कंपनी का प्रेशर है, डिसिप्लिन से गाड़ी चलती है, टाइम से चलती है। अगर इनको दिक्कत आ रही है तो अपनी भाई प्रॉब्लम क्लियर कीजिए ना, आप हमारे लिए क्यों मुसीबत बनते हो आप? बस यही मसला है। इससे पहले हाथापाई का मामला कब सामने आया था, उस पर अभी कोई एक्शन वगैरह? जी अभी 15 दिन पहले बात हुई है सतौरी में, उन्होंने मिलकर कलेक्टर को मारा है, FIR कराई थी हमने, उसके बाद दोबारा वही वैसे ही नॉर्मल जैसे चल रहा है। इतनी महंगी गाड़ियां जो गाड़ियों का नुकसान करते हैं। अब आपकी डिमांड क्या है, ये कब तक जो है ऑपरेशन ये स्टार्ट किया जाएगा गाड़ियों का? नहीं ऑपरेशन तो स्टार्ट होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मारने वाला कौन सा तरीका है? ये आज ये को मारा है, अभी ये चौथा पांचवा केस हो गया, कल जो चौथे को मारेंगे, कल जो पांचवे को मारेंगे, इससे तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगा पूरा कंपनी का। सुनने में आ रहा है कि आपको ये भी धमकी दी जाती है कि आपकी गाड़ियों को तोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, सही बात है, ऐसा बोलते हैं ये। और जब हम गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो उनका आप एक्शन देखो, कभी गाड़ी मारेंगे, कभी आगे घुमा के, कभी पीछे घुमा के, 2 गाड़ियां आगे लगा देंगे, 3 गाड़ियां पीछे लगा देंगे, क्या ये डिसिप्लिन है? ये डिसिप्लिन है? ये वैसे भी सिविल ट्रांसपोर्टर है, ये इनको क्या मतलब है? इनका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है चलने का। सर हमारा स्टाफ इनसे बात करता है, बड़े अच्छे तरीके से इनसे बात होती है, ये समझते पता नहीं क्या है, क्या समझते हैं, क्या चाहिए क्या? अभी गाड़ियां तो चलेंगी, गवर्नमेंट के ऑर्डर से चल रही है, हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको कि आप जो है इनके प्रेसिडेंट से बात भी करते हैं, अच्छे तरीके से बात भी होती है, फिर भी क्या ऐसी खलल है जो कहीं ना कहीं आपके साथ खुंदक निकाल रहे हैं? यही चीज हम सब मैम हम सुलझाएंगे, ये इसी चीज का हमारे को हल चाहिए कि हमारे साथ क्यों झगड़ा करते हैं? हमारे को कनेक्टर को मारने का क्या मतलब हुआ? हमारा कनेक्टर जो वो बाहर जाके आवाज नहीं लगाता है, हमको अलाउड नहीं है बाहर आवाज लगाना, क्योंकि डिसिप्लिन से चलना है, सवारी आएगी बोर्ड गाड़ी के ऊपर लगा होता है पढ़ के, अभी पैसेंजर उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि हर आय के पास का शेड्यूल है टाइम का, जिसने ऑफिस जाना है टाइम से पहुंचेगा। हमारी गाड़ी कैसे चल रही है आप लोग देख रही हैं, पूरे जम्मू को पता है। मारने का क्या मतलब हुआ, मारा क्यों? सारे पढ़े लिखे कनेक्टर हैं। तो जैसे कि आपने देखा आज यहाँ पर जो ई बसेस के ड्राइवर हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि लगातार प्रेसिडेंट से इनकी बात भी हो चुकी है और बड़े अच्छे से वो बात करते हैं, लेकिन जो मिनी बसेस या मैटाडोर के कंडक्टर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन पर गुस्सा है, क्योंकि इनके ई बसेस के आने से जो है ऑपरेशन में काफी कुछ असर पड़ा है, उनके काम में काफी असर पड़ा है, और ई बसेस जो अब लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ये कमर्शियल व्हीकल वाले हैं ये इनके ऊपर खुंदक निकालते हैं, और खुंदक एक बार नहीं ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। ई बसेस को लाने की मंशा ही यही थी कि लोगों को जो है आराम से जो है सफर मिले, आराम से वो सफर कर सके, एक ऐप के माध्यम से, चलो ऐप के माध्यम से वो अपनी सीट भी बुक कर सकते हैं, और ये गाड़ी जो है कहीं भी रुकती नहीं है, ओवर क्राउडिंग नहीं करती है, जिसके कारण लोगों की ये पहली पसंद भी बनती चली जा रही है। सफर आरामदायक है, AC लगा हुआ है, CCTV कैमरे से लैस है, अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो CCTV कैमरे में वो दर्ज हो जाती है। और जब से ये ई बसेस जम्मू में आई है लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिली है, और लोगों की पहली पसंद भी जो है ई बसेस बन गई है।
अब उसके कारण जो बाकी के मेटाडोर वाले हैं उनके उनकी आंख में कहीं ना कहीं ये खटक रही है, जिसके कारण ये आए दिन जो है मामला सामने भी आ रहा है। इससे पहले भी जो है बड़ी बार ऐसे केसेस सामने आए हैं, लेकिन आज जो है मारपीट का केस एक बार फिर से सामने आया है कि किसी मिनी बस के ड्राइवर ने जो है किसी ई बस के ड्राइवर को मारा पीटा है, उसकी आंख पे भी लगी है। और अब जो है मामला FIR जो है उसका दर्ज कर दी गई है, और ई बसेस के जो चालक है वो चाहते हैं कि इसमें फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मामले की जांच की जाए। अब ई बसेस तो यहाँ पर अब रुकी हुई है, अब ये ऑपरेशन कब तक चलाया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल जहाँ लोगों को आरामदायक सफर मिल रहा था ई बसेस के माध्यम से, अब उस सफर में कहीं ना कहीं विराम लग गया है। अब ये विराम कब हटेगा, कब ये ई बसेस जो है सुचारू रूप से आपको जम्मू की सड़कों पर दौड़ती हुए नजर आएंगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हमने ड्राइवर से बात की, उसका ये कहना था कि ऑपरेशन तो हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, क्या हमारा हक नहीं, हमें गवर्नमेंट ने जो है इस समय यहाँ पर लाया हुआ है ई बसेस चलाने के लिए। अगर आपको कुछ बात है, आपकी कोई नाराजगी है, तो आपस में बैठ के बात कीजिए, ना कि इस तरह से रंजिश निकालिए। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले के बारे में और ई बसेस के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।